हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद अपने पैरों पे नेल पेंट लगा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ उसको। और नेल पेंट मैंने रिमूव कर लिया था, तो उसके बाद मैं अपना जो नेल पेंट है उसको लगाऊंगी। और ये नेल पेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले ना मैं यही नेल पेंट लगाने वाली थी, और ये मैं अपने हाथों में, इसको कलावा बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो जब भी पूजा वगैरह होती है घर में तो इसको हाथ में पहना जाता है। तो कुछ दिन पहले मेरे घर में पूजा थी, तो उसी टाइम हमने ये कलावा अपने हाथों में बांधा था। और इस वाले नेल पेंट को मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है, मैंने अपने पैरों में ना ये नेल पेंट लगाया, ठीक है। लेकिन जब मैं ये नेल पेंट लगाया तो ये सही से लग नहीं रहा था, मतलब कि ये नेल पेंट मेरा काफ़ी टाइम पहले का है और ये सूख चुका है, तो लगाने पे वो ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि सूखा हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया, इस नेल पेंट को मैंने फिर अपने पैरों से रिमूव किया है, और उसके बाद ना मैंने फिर दूसरा वाला नेल पेंट लगाया। क्योंकि आपको नहीं लग रहा है देखने से, लेकिन जब मैं लगा रही थी तो ये बहुत ही मतलब सूखा हुआ और अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसको रिमूव किया और फिर अपना दूसरा वाला नेल पेंट लिया, उसको मैंने अपने पैरों में लगाया है। चलिए वो आपको दिखाऊंगी। और वो SQ का है जो मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, और इसकी जो भी ये देख लीजिए आप, मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था, और इस पे जो रुपीज़ पड़े हुए हैं वो 90 रुपीज़ पड़े हुए हैं, लेकिन जब मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया तो मुझे ये 75 का पड़ा था नेल पेंट। और ऐसे मैंने 3-4 नेल पेंट मंगाए थे। तो चलिए अब इसी को लगाएंगे। उसको तो हमने अपने पैरों से निकाल दिया क्योंकि वो बहुत ही नेल पेंट ख़राब था, पूरे पैर पे लग भी नहीं पाता, सूख गया था बुरी तरह से। तो फटाफट से इस नेल पेंट को लगा ले रहे हैं। बहुत ही प्यारा कलर है, इसे लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत ही प्यारा कलर है पर्पल कलर, लेकिन मतलब पर्पल कलर में भी बहुत सारे कलर आते हैं। तो इसे लगा लेती हूँ, और साथ में मैं आपको हैवी पायल जो बचती हैं उनको वेयर करके दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट है, इसलिए आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिएगा तभी आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो उसमें से ना जो आपने रिक्वेस्ट बोली होती है तो वो आपकी छूट जाती है, फिर आप कमेंट में कहते हो कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं किया है। मैं वीडियो में ही बहुत सभी लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करती हूँ, तो आप देख लीजिएगा। और कल की वीडियो मैंने जो अपलोड की, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, तो इसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और आप लोगों ने बोला है कि आप वीडियो डालना ना छोड़ें, डेली डालें हमारे लिए, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर डालेंगे डेली। और अभी देख सकते हैं मैंने अपने पैरों में ना काला धागा नहीं पहना था, क्योंकि मैंने नेल पेंट लगाने के बाद वो काला धागा पहना था, और वो धागा बार बार मेरे पैर से निकल जा रहा था। जो धागे की हमने गांठ बांधी थी ना, वो अपने आप ही खुल जा रही है, तो इसी वजह से। चलिए आप लोग मेरी वीडियो को देखिएगा, और पसंद आए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो भी बता दीजिएगा। और मेरे पास अभी भी हवाई चप्पल के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, तो मेरे पास अभी भी वो रिलैक्सो हवाई चप्पल नहीं है, इसी वजह से मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर इस समय कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है, तो इस वजह से मार्केट वगैरह भी तो यहाँ पे बंद चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस हो गए हैं कोरोना के। और अभी मैं अपने पैरों में ना जो टोरिंग है उनको भी चेंज करूँगी, तो देख सकते हैं मैंने ये वाले टोरिंग पहने हैं, और ये घुंघरू वाले टोरिंग है क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इसी वजह से। और जो टोरिंग मैंने पहने हैं ना, वो देखो मेरी नेल पेंट में भी चिपक गया, क्योंकि नेल पेंट जो है ना वो मेरा गीला है अभी भी, वो बार बार इधर उधर लग जा रहा है, नेल पेंट चिपक रहा है। और पैरों से काला धागा निकालने के लिए बोला गया है, मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे बोला है, तो मैं पैरों से धागा नहीं निकालूंगी। अगर ये धागा मेरा टूट भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है ना,
तो भी मैं दूसरा धागा बनाकर ज़रूर पहनूंगी, क्योंकि मुझे खुद अब पैरों में धागा पहनना बहुत ही अच्छा लगने लगा है। और मैंने बचपन में हाँ पहना था काला धागा, लेकिन उसके बाद मैंने धागा पहनना छोड़ दिया था। और मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि आप अपने कमर में काला धागा पहन कर दिखाइए, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कमर में काला धागा पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, इसीलिए तो मैं वो वाली वीडियो नहीं बना सकती हूँ। और अभी भी फूड क्रशिंग के लिए वीडियो रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैंने पहले भी आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है कि मैं कोई भी खाने वाली चीज़ को अपने पैरों से क्रश नहीं करूँगी। हाँ, मैं अपने पैरों पे अप्लाई करती हूँ, अपनी जो भी मतलब होम रेमेडीज़ होती हैं उसमें इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन पैरों के नीचे कुचल नहीं सकती हूँ मैं उन्हें, तो वैसे वीडियो में नहीं बना सकती हूँ। अब मैं क्या ये वाली जो पायल है इनको वेयर करूँगी, आप देख लीजिए। तो ये वाली जो पायल है फ्रेंड्स, अब मैं इनको पहनूँगी अपने पैरों में, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हमें आप अपने पायल की आवाज़ भी सुनाया करें, तो इसी वजह से फिर मैं ये वाली जो पायल है ये काफ़ी आवाज़ कर रही है, तो इसी वजह से मैं ये पहनूँगी। और आप लोग देखिएगा, ये देखिए इसको मैं पहन लेती हूँ। तो और मेरे से ये भी कहा था, कमेंट आया था, तो रिक्वेस्ट थी कि आप डबल पायल पहन कर दिखाइए, तो देखिए डबल पायल भी हो गई है और आवाज़ भी साथ में है ना पायल की। तो अब मैं इसमें भी पहन लूँगी। चलो पहन लेते हैं। नेल पेंट अभी भी गीला है, सूखा नहीं है, तो ख़राब हो रहा है बार बार टच होकर। ये देखिए
ये सूखा नहीं है और इसमें जो नेल पेंट लग भी गया है ऐसे, और यहाँ से देखिए सूखा नहीं था ना, इसी वजह से ऐसा हो गया। चलिए मैं आपको